नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अंकिता है आज हम सड़क संहिता सूत्र स्थान अध्याय दीर्घन जीवते अध्याय के बारे में जानेंगे दीर्घन जीवते का अर्थ है दीर्घ का अर्थ है बड़ा जीवते का अर्थ है जीवन जो बड़े जीवन या लंबे जीवन की कामना करता है सर्वप्रथम हमको यह पता होना चाहिए कि आयुर्वेद का अवतरण या इतिहास क्या है तो आयुर्वेद आयुर्वेद का अवतरण वह इतिहास इसमें बताया गया कि जो भारद्वाज ऋषि दीर्घ जीवन की इच्छा के कारण इंद्र के पास इंद्र के पास इंद्र को शरण समझ कर जो उसकी शरण में जाता है उसका वो सत्कार करता है उसको समझकर कर इंद्र को शरण समझकर वह उसके पास जाते हैं वह इंद्र के पास गमन करते हैं आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा कि किस प्रकार आयुर्वेद कहाँ से कहाँ किसी ने किसको पढ़ाया ऐसे सर्वप्रथम आयुर्वेद को ब्रह्मा ब्रह्मा ने जाना ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति ने उनसे शिक्षा ली दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने शिक्षा ली अश्विनी कुमारों से इंद्र केवल इंद्र ने आयुर्वेद ज्ञान की शिक्षा ली

भूभाग में एक सभा बुलाई वहाँ पे एकत्रित हुए महर्षि गन्ना कि क्योंकि कौन कौन महर्षि वहां पे आए थे उस भूभाग में यहाँ पे अंगीरा है वशिष्ठ है कश्यप है भृगु है आत्रेय है गौतम है शंख है इत्यादि करके ये त्रेपन महर्षि एकत्रित हुए थे हिमालय के भूभाग में रोग का धर्म आदि प्राप्ति में बाधकत्व जैसे पुरुष का या मनुष्य का अर्थ है यहाँ पे कि भी धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करना या हमने अष्टांग की बुक में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि भी धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है उत्तम पुरुषार्थ है इससे अगर मनुष्य रोग ग्रस्त हो जाता है या बीमारियों से पीड़ित हो जाता है तो वह लंबे जीवन को प्राप्त नहीं कर पाता जिस कारणवश वह इन धर्म अर्थ मोक्ष में वंचित रह जाता है भारद्वाज की नियुक्ति भाई इंद्र से वार्ता भारद्वाज की नियुक्ति भाई इंद्र से वार्ता यह सब दया का भाव दिखाकर महर्षिगण एकत्रित तो हो गए फिर इंद्र उन्होंने जाना कि भाई इंद्र सरण है कि भाई अब हमें उन्हीं के पास जाना है तो अब उनके भी थे कि भाई जाएगा कौन क्योंकि तिरपन चौवन के करीब जो महर्षि थे उनमें से जाएगा कौन इंद्र के पास सभी तो जा नहीं सकते तो उनमें से इन्होंने कहा कि भाई जो सर्वप्रथम अपने आप उठ कर अपना कार्य समझेगा इसको वह उसको हम भेजेंगे तो सर्वप्रथम भारद्वाज ऋषि उठ कर वहाँ पे बोले कि भी इस कार्य पे मुझको लगाया जाए तो इसलिए भारद्वाज ऋषि को इंद्र के पास भेजा गया ये यहाँ पर ये भारद्वाज ऋषि की खासियत बताई गई है कि भी उनको उग्रता क्यों कहा गया है वह अपने दैत नामक नर को मार चुके हैं ऐसे ऐसे करके मतलब कि बहुत सी उनकी खासियत बताई गई है ये आप देख लेना एक बार फिर भारद्वाज जाता है तो इंद्र भारद्वाज को बहुत ही सरल तरीके से त्रिस उत्तर आयुर्वेद या त्रीस कंद आयुर्वेद का वर्णन बताते हैं त्रीस कंद में आते हैं हेतु लिंग औषध यह त्रिसूत्र यह त्रिस्कंद आयुर्वेद का स्वूप बताया गया इंद्र के द्वारा वह महान बुद्धि मुनि भादवत शीघ्र जिस प्रकार न आदि न अंत ऐसे त्रिस्कंद जैसे बताया था मैंने त्रिस्क्रि त्रिसूत्र एक ही को बताया गया हेतु लिंग औषध ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए कभी मैं कुछ भूल ना जाऊ मैं मुझे और ऋषियों से भी हिमालय में जाकर बताना है वो जल्द ही जल्द ठीक ठीक अध्ययन करते हुए बार बार दोहराते हुए वहाँ पे वापसी सभी ऋषियों के पास सभा में वापसी जाते हैं फिर वो वहाँ पे आयुर्वेद का ज्ञान और उसका अनुष्ठान सभी ऋषियों से करते हैं वह ना तो कुछ अधिक बताते हैं ना अधिक ना कुछ छोड़ते हैं मतलब कि ना ही उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ज्यादा बताया है ना ही उन्होंने कुछ छुपाया कि भी जो इंदर ने उनसे बताया था कि वो उसमें से कुछ एक दो चीजें छुपा ली एज इट इज कहते हैं उन्होंने एज इट इज सभी ऋषियों को बताया अब लिखा हुआ शट पदार्थ विज्ञान विष्छे पदार्थ विज्ञान कि क्या है तो अब जैसे उनको सभी ऋषियों को आयुर्वेद का ज्ञान हुआ उन्होंने फिर अपनी दिव्य चक्षु से या मतलब कि अंतरात्मा से एक नए ज्ञान का ये ठीक ठीक पदार्थों का जाना उसमें थे सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म, समवाय यह छह पदार्थ ऋषियों ने अपने दिव्य चक्षु से जाने। पुनर्वसु आत्रिकाग्निवेश आदि छह शिष्यों का आयुर्वेद का, का उद्देश्य जैसे हमने बताया था कि भी उन तिरपन ऋषियों में एक ऋषि आत्र भी थे जिन्होंने बहादुर से ज्ञान प्राप्त किया फिर उन्होंने अपने छह शिष्यों से अग्निवेश भेल हारित और शार पानी इनको उपदेश करके उनको भी आयुर्वेद की शिक्षा दी फिर अग्निवेश आदि ये जो छह शिष्य थे आत्रेय ऋषि के उन्होंने फिर अपने अपने तंत्र अपनी अपनी बुक्स लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि भी कैसे क्या होता है सर्वप्रथम उनमें अग्निवेश अग्निवेश ने सर्वप्रथम ग्रंथ या तंत्र का निर्माण किया आयुर्वेद तंत्र का समस्त मुनियों का अनुमोदन फिर तो जैसे जैसे इन्होंने सभी ये के नाम छह शिष्य थे आये इसके आत्रे ऋषि के उन्होंने अपने अपने जैसे तंत्र का निर्माण करा तो सर्व दिशाओं से एक आवाज में एक ही सुर में आवाज आई कि हे हो, हे हो, तुम्हारा पुण्य हो तुमने इस जगत को संभाला है तुमने मनुष्य साधारण मनुष्य के लिए ऊपर दया का भाव दिखाया है ऐसे करके फिर ऊपर से आकाश से फूलों की वर्षा होने लग गई चारों दिशाएं मतलब कि चमक उठी मतलब कि खुशी के लहर दौड़ उठी ये इसमें ये बताया गया जैसे जब जब इन ऋषियों की प्रशंसा हो रही थी तभी इन ऋषियों के पास बुद्धि सिद्धि समृद्धि मेधा धृति कृति क्षमा दया ये आठ ज्ञान के देवता इनमें समा गए ये पॉइंट नोट करने वाला है कि भी ये आठ देवता ज्ञान के इनमें समा गए बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा कृति क्षमा दया ये ज्ञान के देवता इनमें आ गए अब है आयुर्वेद की परिभाषा कभी आयुर्वेद है क्या आयुर्वेद की परिभाषा जिसमें हित आयु अहित आयु सुख आयु दुख आयु का वर्णन मिलता है या मान मिलता है कि भाई ये क्या होती है इस या आयु का स्वरूप मिलता है जिसमें उसको आयुर्वेद शास्त्र कहा गया है यह श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिता हितम सुखम दुखम आयु तस् हिता हितम च तच यत्र उत आयुर्वेद से उचित यह बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है अब जैसे हमने आयुर् इसमें लिखा हुआ है कि भाई जिस शास्त्र में आयु का स्वरूप मिलता है उसको आयुर्वेद कहा गया अब नीचे आयु के लक्षण और पराय बताए गए हैं यह श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बताया गया कि शरीर इंद्री मन शरीर इंद्री मन सत्व आत्मा संयोग इनके संयोग को आयु कहा गया है इसके प्राय है धारी जीवित नित्य और अनुबंध ये आयु के प्राय बताए गए हैं आयुर्वेद उभयलोक हित्य होता है कि भी जो लोक इस लोक में भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंस है उसकी और परलोक में भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस आयुर्वेद की इसलिए इसको उभयलोक हित साधन समझा गया है अब ये जैसे इन्होंने षट पदार्थ में बताए थे सामान्य विशेष ये छह पदार्थ बताए थे सामान्य विशेष गुण द्रव्य क्रम समवाय तो इसमें सामान्य विशेष की परिभाषा बताई गई है सामान्य क्या है जो सभी भावों की वृद्धि करें या उनको बढ़ाए विशेष क्या है जो उनकी कमी करें यह सामान्य विशेष की परिभाषा बताई गई है यह श्लोक वैसे इंपॉर्टेंट है अगर आप करना चाहिए तो करिए पर इसी पे आयुर्वेद की सारी चिकित्सा निर्भर करती है सर्वदा सर्व भावना सामान्य वृद्धि कारण हरा सेतु विशेष चय प्रवृति रूपये तू अगर ये जो ये जो लाइन है ना ये इसका एक अपना ही कुछ खासियत है इसमें लिखा हुआ है कि भाई प्रवृत्ति रूपये तु रूप से तू के भाई अगर हम एक को बढ़ाएंगे ना अगर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप घट जाएगा ये इसमें लिखा हुआ है जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि भी अगर हम दूध में पानी डालते हैं हमने डाला तो पानी उसमें पर दूध की उसमें क्वांटिटी घट गई पर पानी की बढ़ गई मतलब कि दूध तो उसमें विशेष होता गया और पानी उसमें बढ़ता गया तो पानी के पानी मिलने से सामान्य गुण धर्म की वजह से वहाँ पे वृद्धि हो गई यह आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो इसमें जो सामान्य है वो एक तो बुद्धि को उत्पन्न करता है और वही विशेष विभिन्न भी भी बुद्धि या प्रथिक्त बुद्धि को उत्पन्न करता है जैसे बताया कि अगर मैं दूध में पानी डाल रहा हूं, जो पहले क्वांटिटी थी पानी की उसमें उसमें दूध में वो और बढ़ता जाएगा उसमें एक 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 होता जाएगा जाएगा वो बढ़ता और और अगर मैं उसमें कुछ और डालता हूँ तो विशेष होता है पृथक् बुद्धि जैसे मैं आटे में चीनी डालता हूँ या नमक डालता हूँ तो उसमें जो नमक है ना वो आटे से अलग है तो वो अलग अब उसमें मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो पारात है उसमें आटा नहीं है सिर्फ उसमें आटा और नमक है तो ये है विशेष की खासियत तो बुद्धि सेपरेटनेस जो बताता है वो ही विशेष है लोक का आधार लोक का आधार या जीवात्मा का आधार इसमें आत्मा शरीर या त्रिदंड इनको त्रिदंड भी कहा गया सतात्मा शरीर को त्रिदंड कहा गया इसी को लोक का आधार कहा गया लोक बोले तो पुरुष पुरुष का आधार क्या है सत्व आत्मा शरीर अब आयुर्वेद का अधिकरण या आयुर्वेद का आधार एक ही बात है तो इसमें भी आयुर्वेद का आधार यही है यह जो लोक त्रिदंड था ना यही आयुर्वेद का आधार है इसी को चिकित्सा का विषय में लिया जाता है जो पुरुष है उसी की चिकित्सा करते हैं हम पुरुष का अर्थ है जिसमें नर और नारी दोनों ही काउंट होते हैं पुरुष का मतलब जो पच्चीस तत्व या चौबीस तत्वों का जो पुरुष होता है उसको बोला गया यहाँ पे ना कि कोई मेल या फीमेल को बोला गया द्रव्य गणना जो जैसे हमने सामान्य विशेष फिर गुण द्रव्य कर्म समय ये थे अब ये इसमें द्रव्य की गन्ना कि भी द्रव्य कितने हैं ये खै आदि पाँच मतलब कि खै से अर्थ होता आकाश आकाश वायु आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ऐसे करके पाच ये आत्मा मन काल और दिशा ये ऐसे करके नौ कारण द्रव्य बताए गए हैं और आगे करके जो कार्य के उससे कार्य से और निरिंद्रिय ऐसे करके दो द्रव्य अलग बताए गए हैं ये तो कारण द्रव्य हो गए अगर कार्य के दृष्टि से देख लेके चले गए तो नौ है कारण द्रव्य देखो जैसे लिखे हुए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आत्मा मन काल दिशा और वही कार्य द्रव्य ये ये लिखे हुए चेतन द्रवाचेतन द्रव्य आगे फर्दर डिवीजन है ये आगे अगले चैप्टरों में हम पढ़ेंगे जैसे अब हमने द्रव्य की गणना की कि भाई नौ तो कारण द्रव्य हो गए दो कार्य द्रव्य हो गए अब ऐसे गुण की गणना होगी इसमें अलग अलग बताए गए गुण के पहले कैटेगरी सब डिवीजन है अर्थ गुण जैसे है अर्थगुण गुरुवादि गुण बुद्धि गुण और गुण इसमें अर्थगुण से कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि भाई अर्थगुण को बताए तो अर्थगुण से शब्द स्पर्श रूप रस, ये आदि लिए जाते हैं और गुण का आपको पता ही है कि भाई ये जैसे ये लिखा हुआ ये विमर्श में गुरु लघु मंद तीक्ष्ण शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष श्लक्षण खर सांद्र द्रव मृदु कठिन स्थिर सर सूक्ष्म स्थूल विशिद पिछिल ये गुरुवादि गुण बताए गए बुद्धि और प्रत्न आदि को इन जिसके प्रत्यन जिसके अंत में है इनको आध्यात्मिक या आत्मिक गुण आध्यात्मिक या आत्मिक गुण भी कहा गया है इसमें जैसे सुख सुख दुख इच्छा द्वेष प्रत्यन और बुद्धि ये करके छह ये आत्मिक गुण या आध्यात्मिक गुण बोले गए हैं गुण ये दस होते हैं इस प्रकार टोटल इनका इकतालीस हो जाता है ये ये जैसे पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथ्वी परिमान संस्कार और अभ्यास ये गुण दस बताए गए टोटल चरक संहिता में फोर्टी वन इकतालीस गुणों का वर्णन मिलता है क्रम का लक्षण कर्म क्या है यत्न पूर्वक की गई चेष्टा को कर्म कहा गया भी कोई भी एक्टिविटी की गई है उसको कर्म कहा गया है समवाय का लक्षण यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वो होता है ये बच्चों को स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता जल्दी सी इसको आप ध्यान से समझना कभी जो पृथ्वी आदि द्रव्यों के के सात गुणों का अपृतिक भाव जो मीन्स पृथक भाव का मतलब क्या था सेपरेटनेस अप्रथक भाव का मतलब है जो सेपरेट नहीं हो सकता इसमें एक अगर आप सरल एग्जाम्पल लेके चले तो उसमें ये है कि भाई जैसे जो बर्फ है उससे हम कभी भी उसका ठंडापन नहीं हटा सकते तो वो उसका समवाय गुण है समवाय संबंध है उसका यही है कि भाई बर्फ से हम उसके ठंडापन या कि भाई उसका क्या नाम है अग्नि से उसकी उष्णता उसको हम हटा नहीं सकते कभी भी नहीं हटा सकते तो यही समवाय बताया गया है समवाय संबंध या समवाय गुण का बताया गया द्रव्य का लक्षण ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय तद द्रव्य जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं और जो कर्म और गुण का समवाय कारण है समवाय जैसे मैंने आपको बता दिया जैसे द्रव्य क्या कोई भी चीज है जैसे सेब एक द्रव्य है या ईख गन्ना एक द्रव्य है उसका गुण है मीठा उसमें मधुर एक गुण हो गया मधुरता और उसका कर्म क्या है कि भाई वो मूत्रल है मीन्स डायबिटिक्स है यही है कि भाई वो समवाय भाई दर्वा में ये दोनों चीज रहती है कर्म और गुण और समवाय संबंध से रहते हैं गुण होगा ना तभी कर्म होगा किसी का और वो मीठा है ना ईख का रस या जो गन्ने का रस है वो मीठा है इसलिए वो डायबिटिक्स है मीन्स समवाय संबंध में रहते हैं आपस में और में है दर्वा में अब है गुण का लक्षण जो समवाय संबंध वाला वो तो जैसे बता दिया पीछे ही चेष्टा रहता है जो चेष्टा नहीं करता और जो ग्रहण करने में कारण है कि भी किसी फूल की कोई अच्छी खुशबू है तो मैं तभी वो उसका गुण है फूल की जो खुशबू है वो उसका गुण है मैं इसीलिए उसको ग्रहण कर रहा हूँ तो कि मीन्स ग्रहण करने में जो कारण है वही गुण है क्रम का लक्षण जो एक साथ संयोग और विभाग में कारण है मतलब कि जो संयोग भी कर दे विभाग भी, भी कर दे जो द्रव्य के आश्रित है ये जैसे द्रव्य के श्लोक में बताया गया था उसे कर्म कहते हैं वैसे कर्म क्या था कि चेष्टा आदि को कर्म कहते की गई चेष्टा को कर्म कहते हैं एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है विमर्श में कि भी इनका डिफरेंस कि गुण क्या चेष्टा रहित है बल्कि कर्म चेष्टा वान है क्योंकि तो इसी से चेष्टा होगी जैसे कोई भी गुण है मधुर गुण था जैसे एक के रस में या गन्ने के रस में मधुर गुण था उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो डायबेटिक था वो मूत्रल था तो वो मूत्रल क्या है कर्म है उसका काम हो रहा है कोई भी कर्तव्य हो रहा है कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसी को कर्म कहा गया था जैसे बताया था उस लोग ने ये क्या इति कारणम जितने भी कारण दर्वत है जगत के वो यहाँ तक बता दिए गए हैं अब ये जो धातु साम्य त्रिय दोष विज्ञानी है ये हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे धन्यवाद